बातें बोली हैं, जो बातें हम लोगों के लिए, हमारे धर्म के लिए बोली हैं, और जो बातें फजी सेकुलरिज्म को लेकर बोली हैं, वो बातें यकीनन आपका सीना चौड़ा कर देंगी। क्या कुछ बोला उन्होंने, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। दंगा से प्रदेश को मुक्त करवाते हैं और जो दंगाई कीड़े हैं ना, उनको हम ठीक ढंग से उसका ठिकाना भी लगाते हैं। कीड़े ये दंगा हमारी प्रवृत्ति नहीं है, हम लोग तो दंगाइयों को सही राह दिखा देते हैं कि भाई देखो, अगर कानून को हाथ में लोगे तो कानून तुम्हें छोड़ेगा नहीं। योगी जी, अखिलेश यादव कल आजम खान से मिलकर आए और उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि इतना बड़ा राजनीतिक परिवार, पूरे परिवार पर आप लोगों ने एक तरह से अत्याचार किया, झूठे मुकदमे बनाए, कि पूरे के पूरे, उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में ऐसा शायद एक उदाहरण देखने को मिले। देखिए, ये तो उनके कर्म, उनको मुकदमे में अपराधी बनाया होगा, सरकार कहां से सामने आ जाती है। उन्होंने जो कहा, लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया, न्यायालय में उसकी जो है, न्यायालय ने उनको सजा की है। सही बात है, सरकार थोड़े सजा करती है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका भारत के अंदर है, ये तो न्यायालय की अवमानना है। उनका कहना झूठे मुकदमे बनाए गए, झूठे मुकदमे कहां से बना दिए गए। आप डकैती डालिए और उसके बाद कहें साहब तो मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। आप झूठे कैसे कह सकते हैं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना देंगे, अरे एक व्यक्ति एक ही बार पैदा होगा ना, दो बार थोड़े पैदा हो जाएगा। आप हर बार नए नए सर्टिफिकेट जारी कर देंगे, कभी कह देंगे कि हम इसमें इस सन में पैदा हुए थे, कभी कहेंगे यानी अवसर के अनुसार आप जन्म ले लेंगे क्या। आजम गागा लौंडा एक ही बार पैदा होता है, आजम गागा लौंडा कागजों में दो बार पैदा हुआ है। आप गलत प्रमाण पत्र आप स्वयं प्रस्तुत करें, गलत तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को फर्जी तरीके से प्रस्तुत करें, तो उसमें हमारी गलती कहां से है। योगी जी, लेकिन देश भर में आप लोगों पर आरोप लगते हैं कि आप लोग एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्ष को परेशान करने के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं लगातार। देखिए, ये तो गलत है कि अगर विपक्ष, इस देश में लोकतंत्र है, विपक्ष भी तो अपनी बात कह सकता है। हमने कहीं लोकतंत्र को कम करने की बात तो नहीं की, और आप भी स्वतंत्र, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन डराते हैं आप लोग एजेंसियों से। मुझे एक बात बताइए, क्या अरविंद केजरीवाल जी, अगर लोकतंत्र नहीं होता तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार बन पाए होते। सही बात है, दो बार बन गए, लोकतंत्र के कारण ही संभव हो पाया है, और लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण ही हो पाया है। लेकिन लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को या किसी संस्था को डकैती डालने की छूट तो नहीं है। हम लोग मालिक नहीं हो सकते। मैं मुख्यमंत्री प्रदेश का हूं, लेकिन मैं प्रदेश का मालिक नहीं हो सकता। अगर नियम विरुद्ध मैं कोई आचरण करता हूं तो मुझ पर भी वह कानून उतना ही लागू होता है जितना किसी अन्य पे लागू होता है। मैं कानून से ऊपर नहीं हो सकता हूं, हमेशा हमें ध्यान रखना होगा, और जैसी करनी वैसी भरनी। विपक्ष का यह भी कहना है कि आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सबकी चिंता करते हैं, लेकिन इस देश में जो मुसलमान रह रहा है उसकी उतनी चिंता आपको नहीं। मुसलमान की कौन चिंता नहीं हो रही है, उसको मकान मिल रहा है, उसको खाने के लिए मिल रहा है, उसके लिए उपचार के लिए मिल रहा है, लेकिन वो भारत का कानून भी तो माने, कानून भारत के अनुसार माने, भारत के संविधान को सम्मान करे, संविधान के अनुसार देश चलेगा। शरीयत हमारा व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन शरीयत संविधान से बड़ा तो नहीं हो सकता, और वह इस बात को माने, दे भारत की जनता तो सिर आंखों पर बिठाएगी। अब जो कह रहे हैं तमाम योजना, इसमें कोई इनकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े, लेकिन सवाल यह है कि उसके बावजूद आप लोग अल्पसंख्यकों के मन में वो जगह क्यों नहीं बना पाए, वो क्यों नहीं बना पाए, वो विश्वास क्यों नहीं जगा पाए। क्योंकि हम हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाए, यही वजह है बस, और ये नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान में हमें हिंदुस्तान की मूल आत्मा का सम्मान करना पड़ेगा, और हिंदू भारत की मूल आत्मा है, उसका अपमान नहीं किया जा सकता। जिनको एक गलत फहमी होगी कि हम इस भावना, इस आत्मा का अपमान करके वोट बैंक की राजनीति करेंगे, ऐसी राजनीति को ठोकर मार करके बाहर जाएंगे। क्या बात, हम अपने मूल्यों के आधार पर, बात देश की सुरक्षा की कीमत पर,
या हिंदू आस्था के सवाल पर किसी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। इन भावनाओं का सम्मान करते हुए हम कार्य करेंगे और हमें प्रसन्नता है कि हम लोग अपने मुद्दों पर अडिग हैं और ईश्वर की कृपा और जनता जनार्दन का आशीर्वाद हम लोगों के साथ में है। हम लोग सफलतापूर्वक मोदी जी के नेतृत्व में